हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्यु। आज के इस वीडियो में हम SIC का प्रैक्टिकल नंबर 3 का जो सिनेरियो 1 था उसका पार्ट 2 को परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमें पार्ट 2 में क्या करना है। तो यहाँ पर मैं अपने मैनुअल को ओपन करके रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें ये बोल रहा है कि हमें कॉन्फिगर अप्लाई एंड वेरीफाई एक्सटेंडेड नेम ACL। तो हमें एक्सटेंडेड नेम ACL करना है। पहले वाले वीडियो में हमने एक्सटेंडेड नंबर ACL किया था, अभी एक्सटेंडेड नेम ACL। बस एक कॉमन सा डिफरेंस होगा, जो हम नंबर दे रहे थे फॉर एग्जांपल 100 का रेंज दे रहे थे, राइट, अभी हम सिंपली हमारा जो नाम होगा ना वो पास करेंगे। तो इसे कैसे करना है, तो यहाँ पे हमें सिंपली अपना R1 राउटर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं एग्जिट हो जाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट से पूरा स्टार्ट करना है, आपको कॉन्फिग मोड पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक्चुअली ये करती क्या हूँ, ये मैनुअल को साइड बाय साइड ओपन करके रखती हूँ। तो स्टेप 1 तो सेम ही रहेगा, हमें सिंपली लिखना होगा IP एक्सेस लिस्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल देना है। फिर आपको पूछेगा आपको कौन सा एक्सेस लिस्ट परफॉर्म करना है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट या स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। तो हम उसे बताएंगे कि हमें एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट परफॉर्म करना है। तो सिंपली लिखना होगा मुझे एक्सटेंडेड, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें स्टेप 1 में क्या कॉन्फ़िगर करना है, हमें HTTP एंड ICMP। HTTP मतलब हमारा जो कैसे वेबसाइट्स को रीच करते हैं, राइट, वेबसाइट्स ओपन करने के लिए हमें HTTP का जो प्रोटोकॉल है उसे एनेबल करना होगा, और मैसेजिंग के लिए हमारा ICMP दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये दोनों को हमें एनेबल करना होगा। तो वो हमें करना है। तो सबसे पहले मैं तो बोलूँगी कि एक्सटेंडेड और कौन सा वाला प्रोटोकॉल एनेबल करना है, HTTP। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी HTTP ओनली। ओके, और यहाँ से सिंपली एंटर कर दूँगी। फिर इसके बाद ये हमें पूछेगा, तो अभी हमारे स्टेप 3 में बोला क्या इन्होंने, द प्रॉम्प्ट चेंजेस, अभी बोल रहा है ऑल डिवाइसेस ऑन द PC2 लैंड नीड TCP एक्सेस। तो हमें बोल रहा है कि जितने भी डिवाइसेस हैं PC2 के अंदर उसमें हमें ना जो TCP प्रोटोकॉल है उसे देना है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे सिंपली आपको परमिट लिखना है, फिर TCP, और देखना है कि आपके PC2 का जो एरिया है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, राइट। यहाँ पे देखिए इसका IP एड्रेस और इसका नेटवर्क एड्रेस भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड भी डालना होगा, तो हमें सिंपली यहाँ पे लिखना होगा PC2 का IP एड्रेस। मैं इसे मिनिमाइज कर देती हूँ, हमारे PC2 का IP एड्रेस है 172.22.34.96, और उसके बाद आपको स्पेस देके क्वेश्चन मार्क डाल देना है। उसके बाद ये बोलेगा आपको वाइल्ड कार्ड देने, राइट। तो वाइल्ड कार्ड बेट इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेस मतलब। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आए हम, मैं आपके साइड में साइड बाय साइड नोट पैड में ओपन करके समझाती हूँ। मैंने पहले वीडियो में समझाया, बट देन मुझे पता है आपको डाउट होगी, शायद इस वीडियो में वो रिजॉल्व हो जाए। तो हमारा IP एड्रेस क्या है, 172.22.34.96, और इसका सबनेट मार्क्स दिया है हमारा 28। यहाँ पे इसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो 28 है, नेटवर्क एड्रेस है जो 28 है। तो अभी हमें 172 बोला है तो क्लास बी में गिरता है, तो क्लास बी का जो सबनेट मार्क्स होता है वो कैसे कौन से रेंज से स्टार्ट होता है, 126 से लेके 191 तक, राइट। तो ये क्लास बी में गिरा, तो इसका सबनेट मार्क्स होगा 255.255.0.0। मैंने बताया था जो ये मार्क्स होते हैं सबनेट मार्क्स, उसके जो टोटल बिट्स होते हैं वो 32 बिट्स के होते हैं, इक्वल्स टू 32 बिट्स, और इसके जो नंबर्स होते हैं, एक 255 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1, ये देखिए 8 times 1 को रिप्रेजेंट करता है, राइट, मैंने ये भी आपको बताया था। और ये 1 के वैल्यूज़ कैसे होते हैं, ये जो 1 है वो ये रिप्रेजेंट करती है, 2 raised to 7, 2 raised to 6, 2 raised to 5, 2 raised to 4, 2 raised to 3, ऐसे रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो इसके लिए देखिए अभी हमें ये हमारा जो सबनेट मास्क था वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया कि ये 255.255.0.0 है, तो हम इसका सबनेट मार्क्स कैसे होगा, 8 times 1 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, 5, 6, 7, 8, 0.8 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट
तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को मिला के कितना बिट्स का हो गया, 8 + 8 = 16, पर हमें चाहिए 28, तो बाकी का हम इससे बोरो करेंगे। इसके पास भी 8 बिट होता है, तो वो लिखूँगी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अभी कितना हो गया 24, और कितना चाहिए हमें, और 4 बिट्स चाहिए, तो सिंपली 1 2 3 4, और बाकी का जो बचा रहेगा उसको आपको 0 0 लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 255.255.255 पॉइंट। अभी यहाँ पे देखिए जो चार हमारा वन था ना, उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो सिलेक्ट कर रही हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, 2 raised to 7 + 2 raised to 6 + 2 raised to 4 + 2 raised to 5, तो यहाँ पे देखिए 240 आ रहा है। तो हमारा इसका जो सबनेट मार्क्स होगा ये यहाँ पे होगा 240, और इसका जो वाइल्ड कार्ड होता है, वाइल्ड कार्ड जो होता है वो इन्वर्स होता है, तो जितना भी वन है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 0 हो जाएगी। और जो 0 0 है वो 1 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब ये 1 को कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी जो हमने ऊपर में जो चार डिजिट जो पीछे से लिए थे उसको कैलकुलेट किए, अभी बाकी का जो रिमेनिंग है वो हमारे फ्रंट का है, राइट, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करेंगे जब हम, फॉर एग्जांपल 2 raised to 3 + 2 raised to 2 + 2 raised to 1 + 2 raised to 0, तो ये हो जाएगा हमारा 15। तो हमारा वाइल्ड कार्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो हमारा वाइल्ड कार्ड हो जाएगा 0.0.0.15, ये हमारा वाइल्ड कार्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमने वाइल्ड कार्ड फाइंड किया वो प्रॉपर है कि नहीं। तो यहाँ पर अपना मैनुअल ओपन करते हैं, और यहाँ पर अपना आईपी अपना राउटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यस परफेक्ट है, जो हमने वाइल्ड कार्ड ढूंढा देखिए वो प्रॉपर है। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना वाइल्ड कार्ड को एंटर करेंगे 0.0.0.15, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क डाल देना है। इसके बाद हमें कौन से ट्रैफिक को अलाउड करना है, WW वाला, तो हम लोग बोलेंगे अप्लाई करो, अप्लाई के लिए हम EQ लिखते हैं, कौन सा वाला प्रोटोकॉल को एनेबल कर रहे हैं, दैट इज़। तो यहाँ पे देखिए जब अपना वाइल्ड कार्ड डाल के क्वेश्चन मार्क डाले थे, तो इसने हमने हमें बहुत सारी चीज़ें पूछे थे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं फिनिश द स्टेटमेंट बाई स्पेसिफाइंग द सर्वर एड्रेस एज यू डिड इन पार्ट वन एंड फिल्टरिंग WW ट्रैफिक। तो हमें इसमें कैसे हमें बताना होगा कि कहाँ से तुम्हें WW ट्रैफिक को एनेबल करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो कहाँ पे करना है, हमारे सर्वर से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट, तो हम इसे होस्ट बताएंगे, तो हमारा होस्ट है हमारा सर्वर का IP एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है 172.22.34.62, ये हमारे सर्वर का IP एड्रेस है। उसके बाद EQ लिखना है हमें, कौन सा EQ मतलब अप्लाई करना है, कौन सा प्रोटोकॉल, WWW, ओके, और यहाँ से सिंपली आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और प्रोटोकॉल अप्लाई करना था, दैट वॉज ICMP, तो सिंपली आपको लिखना है परमिट ICMP, और जो आपका जो आपका IP एड्रेस है वो डालना है, जो आपका PC2 का IP एड्रेस है 172.22.34.96, और उसका वाइल्ड कार्ड डालना है, उसका वाइल्ड कार्ड है 0.0.15, ये हमने देखा कि कैसे इसे ढूंढते हैं। फिर होस्ट बताना है, सर्वर का IP एड्रेस डालना है 172.22.34.62, और यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे देखिए इतना ही लिखना है, और उसके बाद सिंपली एंटर कर देना है, और यहाँ से आपको एग्ज़िट हो जाना है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो आपके आपका सिर्फ ये 2 प्रोटोकॉल एनेबल हो जाएगा, बाकी सारे जो प्रोटोकॉल आपने दिए होंगे ना वो डिनाई हो जाएंगे, जो इसका ओके, बाकी ये दोनों का परमिट ही ओपन रहेगा। तो आपको सिंपली यहाँ से एंटर कर देना है, अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे।
तो यहाँ पर से देखिए ये वाले स्टेप जी में बोला था कि हमें सब जगह से एग्जिट होना है, तो यहाँ से हम ACL से बाहर आ गए एग्जिट होके। उसके बाद हमें स्टेप टू में बोला है अप्लाई द ACL ऑन द करेक्ट इंटरफेस टू फिल्टर ट्राफिक, तो हमें करेक्ट इंटरफेस में अपना जो ACL बनाया है उसे लगाना है। तो इसका इंटरफेस क्या है चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अपने राउटर पर कर्सर रखो, देखिए यहाँ पे कर रहे थे नीचे में तो 0/0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे देखिए 0/1 क्योंकि अभी हमें ऐसे PC2 से सारा हमारा काम है, ऐसे करना है कनेक्शन। ओके तो यहाँ पे देखिए 0/1 है, तो सिंपली हमें अपने राउटर में आना है, यहाँ पे हमें इंटरफेस बताना है कि आप ये इंटरफेस में अप्लाई हो इंटरफेस, और यहाँ पे लिखेंगे G0/1 और एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा स्टेप बाकी है, अभी हम बताएंगे कि IP एक्सेस ग्रुप, यहाँ पर आपको ये वाले ACL को लगाना है। हमारा ACL का नाम क्या था, HTTP_ONLY & IN, बस एंटर कर लेना है। ओके यहाँ सब जगह से एग्ज़िट हो जाओ चाहिए तो एग्ज़िट हो गए। उसके बाद आपको हमें अभी हमें टेस्टिंग करना है, वेरीफाई द ACL इम्प्लीमेंटेशन, ये कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम टोपोलॉजी में आ गए, इसके अभी फुल स्क्रीन कर लेते हैं क्योंकि कमांड लिखना नहीं, अभी सिर्फ टेस्ट करना है। तो बोला है पिंग PC2 टू सर्वर, द पिंग शुड बी सक्सेसफुल, इफ़ द पिंग इज अनसक्सेसफुल वेरीफाई द IP एड्रेस, तो PC2 से सर्वर को कम जो पिंग है वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो PC2 में जाएंगे, यहाँ से डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगी पिंग और सर्वर का IP एड्रेस, सर्वर का IP एड्रेस क्या था, तो यहाँ से मैं सिंपली सर्वर का IP एड्रेस को कॉपी करूँगी, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगी एंड सिंपली एंटर कर दूँ। तो ये बोला है कि प्रॉपरली जाना चाहिए, तो देखिए प्रॉपरली पिंग हो गया है। एंड हमारा जो नेक्स्ट वेरीफाई करना था वो था हमारा FTP फ्रॉम PC2 टू सर्वर, बोल रहे हैं PC2 से सर्वर को FTP ट्राई करके देखो, FTP प्रोटोकॉल जो हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं, तो FTP लिखूंगी PC2 में और जो हमारा सर्वर का IP एड्रेस है वो डालूंगी और एंटर करूंगी, तो ये फेल होना चाहिए ऐसे उन्होंने बोला है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ हमना हमारा कौन कौन सा अलाउ किया है, दैट इज़ अपना वेब ब्राउज़र को अलाउड किया है और अपना ICMP, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपरली फेल हो चुका है, राइट। अभी हमें बोला है ओपन द वेब ब्राउज़र ऑन PC2 एंड एंटर द IP एड्रेस ऑफ सर्वर एज द URL, द कनेक्शन शुड बी सक्सेसफुल, तो अभी हम इसे बंद करेंगे, यहाँ से वेब ब्राउज़र में जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली सर्वर का IP एड्रेस डाल देना है, तो मैं यहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस डाल देती हूँ और एंटर कर देती हूँ, और इसे सक्सेसफुल होने बोला था एंड ये प्रॉपरली हो गई है। तो हमारा SIC का प्रैक्टिकल नंबर 3 का सिनेरियो 1 का पार्ट 2 प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल 3 का सिनेरियो 2, जिसमें हम एक्सटेंडेड ACLs करेंगे एंड वो अलग टाइप का है, वो मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगी, वो सिनेरियो 2 है जिसमें पूरा डिफरेंट कंडीशंस होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए, एंड अगर आपको अगर आज के वीडियो में कोई भी डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।